15 योग शिक्षक केंद्रीय विद्यालय संगठन के बिहार पर आज आपको हाइट और आईसेट इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि योग के माध्यम से आप अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी आईसेट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इनमें कुछ बातों पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है, आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और करने का प्रयास कीजिए। मेरे साथ केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट का छात्र अंकित शर्मा आपके साथ लाइव है, जो आपको डिमोंस्ट्रेशन करेगा। सबसे पहले हाइट के बारे में मैं दो तीन बातें बताना चाहूंगा कि जो बच्चा अपनी हाइट को बढ़ाना चाहता है उसके लिए सबसे सही उम्र होती है टीनेज। टीनेज की उम्र में हाइट सबसे ज्यादा बढ़ती है और उस दौरान यदि वह बच्चा या वह व्यक्ति वह छात्र आसन करे तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। साथ ही इसमें रेस्ट लेना, आराम करना भी बहुत जरूरी है। बहुत अधिक थकान नहीं होनी चाहिए, इन्हें अपनी हाइट बढ़ानी है। और इसमें कहा जाता है कि नींद 8 से 10 घंटे की लो ज्यादा फायदा होगा, मतलब छात्रों को इन जनरल 6 से 8 घंटे की नींद बताई गई है, आम इंसान को छात्र को 8 घंटे की। लेकिन जो बच्चे अपनी हाइट से कॉन्शियस है, हाइट बढ़ाना चाहते हैं, लंबे होना चाहते हैं, उन्हें 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। और इसके पश्चात आसन बताने से पहले एक बहुत साधारण सी क्रिया है, बहुत पुराने जमाने से चली आई है कि हम लोग किसी भी ऐसे स्थान पर जहां कोई पकड़ने का डंडा या ऐसे कोई जगह हो जहां हम आसन से लटक सके तो उस पे लटकना एक अच्छा व्यायाम है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर इस लटकने में एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप लटकेंगे तो उस समय पुलअप्स नहीं करने, आपने पूरे लटकने के पश्चात पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ना है, केवल आपकी जो ग्रिप है, हाथों की जो ग्रिप है जिससे आपने वो डंडा रॉड या कोई भी ऐसी चीज पकड़ी हुई है जिसके सहारे आप लटके हुए हैं तो उसको पकड़कर केवल अपनी ग्रिप को आपने सख्त या टाइट रखना है, मजबूत रखना है, बाकी पूरा शरीर आपका एकदम ढीला होगा। जितने शरीर को ढीला छोड़ेंगे लटकने के पश्चात लटके हुई अवस्था में उतना ही आपके शरीर को फायदा होगा, उतनी ही लंबाई अच्छी और जल्दी बढ़ेगी। ये तो लटकने से संबंधित एक बात हो गई, क्योंकि लोगों में ये मिथ है, क्या है कि हाँ भी लटकने के पश्चात वो लोग पुलअप्स करना शुरू कर देते हैं, अपने शरीर को ऊपर खींचना शुरू करते हैं। हाइट वैसे उसका बहुत अधिक फायदा है, उससे आपके कंधे, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सब बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन हाइट के लिए आपने शरीर को उसमें ढीला छोड़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं आसन पर। सबसे पहले हम कुछ खड़े होने वाले आसन बताएंगे। पहला आसन है ताड़ासन। अंकित जी आप खड़े हो जाइए। ताड़ासन किस प्रकार किया जाता है, दोनों एड़ी पंजों को लगभग मिलाएंगे और उसमें लगभग 4 उंगल का कितना गैप होगा, केवल 4 उंगल का गैप, जिससे आपका बैलेंस अच्छा बना रहे। 4 से 6 उंगल का गैप रख सकते हैं, मतलब 2 से 4 इंच का गैप। इसके पश्चात दोनों हाथों को ये दो तरीके से करना है, दोनों आपको करके दिखाएगा। इनके सबसे पहले दोनों हाथ सीधा ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथ खुले रहेंगे, हथेली का रुख बाहर की ओर है, एड़ी पंजे एकदम पास पास होंगे और एड़ियों को उठाना है। एड़ियों को उठाने के पश्चात आप अपने शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचेंगे, बैलेंस करेंगे, पैर के अंगूठे से लेकर हाथों की उंगलियों तक पूरा खिंचाव ऊपर ऊर्ध्वगामी, है ना, ऊपर की ओर, आसमान की तरफ होना चाहिए, छत की तरफ होना चाहिए, जितना ऊपर खींच सकते हो उतना खींचने का प्रयास करें। ब्रीदिंग नॉर्मल होगी, सांस इसमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ताकत पूरी लगानी पड़ती है, सांस रुक जाता है लेकिन सांस नहीं रुकता, सांस ना सामान्य गति से लेते रहना है, नॉर्मल रहेगा सांस। धीरे से अपने एड़ियां नीचे लाइए, दोनों हाथ नीचे ले आइए। ये तो हो गया इसका पहला तरीका, इसमें पूरे शरीर में खिंचाव ऊपर होता है। यहां पर मैं एक बार पहले बता देना चाहूंगा कि हाइट के लिए जितने भी आपकी आसन एक्सरसाइज है उसमें एक तो शरीर को खींचना है, ऊपर स्ट्रेचिंग होगी,
फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग, जितने भी एक्सरसाइज आसन इत्यादि है उनमें ये सभी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त आप फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग के जितने भी आसन एक्सरसाइज इत्यादि कर सकते हैं वो सभी बहुत फायदेमंद है। अब इसका दूसरा वर्जन है, इसमें दोनों हाथों को फिंगर्स को क्रॉस करना है। फिंगर्स क्रॉस कर लीजिए, फिर से हथेली को हथेली आलोक का ऊपर की ओर होगा और दोनों हाथ सीधे होंगे और फिर से दोनों पैरों की एड़ी उठाकर हाथ को ऊपर की ओर खींचे अधिक से अधिक। फिर पैर के अंगूठे से लेकर हाथों के अंगूठे तक पूरा शरीर में ऊपर की ओर खिंचाव होगा। जितना खिंचाव होगा उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन सांस की गति सामान्य रूप से होगी, सांस आप सामान्य गति से लेते रहेंगे, ठीक है। और यथाशक्ति रुकने के पश्चात पहले पैरों की एड़ियां नीचे आएंगी, उसके पश्चात दोनों हाथ साइड से नीचे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये आपका हुआ ताड़ासन। यदि आपको थकान महसूस होती है तो दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलकर साधारण स्थिति से कुछ देर के लिए सांस इत्यादि ले सकते हैं। इसके पश्चात खड़े होने वाला एक दूसरा आसन है, उसका नाम है पादहस्तासन। ये आपको दोनों तरीके से कभी दिखाएंगे। सबसे पहले सामने से पादहस्तासन के लिए दोनों हाथों को पहले ऊपर लेकर जाइए, एड़ी मंजे से मिले होंगे और सांस को बाहर निकालते हुए पेट को थोड़ा दबिचकाते हुए आगे की ओर झुकेंगे। आगे झुकते हुए दोनों हाथों की हथेलियां पैरों के साइड पर होंगी, माथा घुटने से लगा देना है, यथाशक्ति दोनों कोहनियों को पास करो इस प्रकार। यस, से वापिस आइए, इसको अब साइड से करके दिखाएंगे ताकि आप और क्लियर हो जाए। इसका कहता है चेहरा उस तरफ, अंकित जी कमर गर्दन सीधी रहेगी एकदम, हाँ कीजिए। दोनों हाथ ऊपर ले जाने के पश्चात सांस को बाहर निकालते हुए पेट को थकाते हुए इस तरह आगे की ओर झुकना है और दोनों हाथ पैरों के साइड पर, दोनों हथेलियां जमीन पर लगी होंगी, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। जितना आसानी से लग सकता है, नहीं लगता कोई बात नहीं, आपका मेन है कोशिश करनी है। आप कोशिश करेंगे धीरे धीरे अभ्यास के बाद माथा घुट से लग जाएगा। इस प्रकार शक्ति रुकने के पश्चात जितना भी आसन होते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, जितना भी आप हो सकते हैं, उत्तर रुकने के पश्चात धीरे से सांस भरते हुए धीरे से वापस खड़े हो जाएंगे। वापिस आ जाए अंकित जी, इस प्रकार की वापस आना है, नीचे। ये हुआ आपका पादहस्तासन। अगला आसन है कटी चक्रासन। इसमें दोनों पैरों में लगभग 1 फुट का अंतर होता है, जितने आपके कंधों की चौड़ाई है शोल्डर इसका, ताकि आपका बैलेंस अच्छा हो। दोनों हाथ सामने ले आइए, हाथ जमीन के समानांतर शोल्डर लेवल में, हथेली पर हो आमने सामने की ओर, अपना हथेली आमने सामने होगी अपर। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए एक साइड उठता है पूरा पीछे की ओर, अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं इस प्रकार, सांस छोटे इस प्रकार करना है और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए फिर से दूसरी ओर जाना है, वापस आए सांस भरते हुए इस प्रकार। कम से कम 5 बार इस तरफ करना है, आप 2-3 बारी करें, फिर से जाइए इस तरफ को। यहां पर रुकना है आपने यथाशक्ति, धीरे से वापस आए दूसरी ओर जाए, ऐसे कम से कम 5 बार एक दिशा में और 5 बार उस साइड पर, 5 बार लेफ्ट साइड और 5 बार राइट साइड। इससे क्या, ये ट्विस्टिंग वाला आसन है, इससे शरीर की किन मांसपेशियों पर इसका असर होता है, वो मांसपेशियों में खिंचाव पड़ता है, ये लंबाई के लिए, लंबाई बढ़ने में आपकी जो हाइट बढ़ाने में बहुत सहायक होती है, ठीक है। बस लीजिए, बस दोनों हाथ नीचे ले आइए, यह आपका हो गया कड़ी चक्रासन। इसके पश्चात अगला आसन है कोण आसन। कोण आसन के लिए दोनों पैरों को लगभग 1 मीटर खोल लीजिए,
बेटा दोनों हाथ जमीन के पैरेलल साइड पे जाएंगे, हथेली का रुख नीचे की ओर, और केवल एक साइड को झुकेंगे और दूसरा हाथ स्क्वायर कांच से लगते हुए जमीन के पैरेलल होगा। बिल्कुल ठीक, जमीन के पैरेलल ये कौन आसन है आपके सामने, इसको भी आपने सांस छोड़ते हुए जितना होता है और यथाशक्ति जितना आप आसानी से रोक सकते हैं उतना रोकने का प्रयास करेंगे। इस साल भरते वक्त से ये आप दूसरी दिशा में झुकिए अपने राइट साइड, ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर, हथेली का रुख नीचे की ओर जमीन की ओर, और ऊपर वाले हाथ का खिंचाव उस तरफ को और खिंचाव नीचे की तरफ होगा। ये साइड में कमर में जो साइड में यहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव होना चाहिए, हल्का सा दर्द होना चाहिए, हल्का दर्द होगा तभी उसका पूरा फायदा मिल पाएगा आपको। फिर से वापस आइए, एक बार और कीजिए, लेफ्ट साइड को देखिए, तब ध्यान से देखिए समझिए इस प्रकार जो कोणासन को करना है आपने। धीरे से वापस आइए, दूसरी दिशा में जाइए, और हर आसन को आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही करना है। धीरे से वापस आइए, आराम से खड़े हो जाइए, इसके पश्चात अब अगला आसन है जो खड़े होने वाला है पूर्व हस्तोत्थान आसन। इसमें फिंगर्स क्रॉस करके दोनों हाथों को अधिक से अधिक ऊपर लेकर जाना है, इस प्रकार दोनों हाथ सीधे होंगे, सीधा ऊपर। अब दोनों तरफ बारी बारी से आपने झुकना है यथाशक्ति, एक दिशा में झुकिए पहले इस प्रकार, दोनों हाथ कान से लगे रहेंगे, हाथों का खिंचाव बराबर ऊपर की ओर बना रहेगा, हाथ ढीले नहीं छोड़ने, कोहनियां नहीं मोड़ने चाहिए, हाथ आपके सीधे रहेंगे। धीरे से वापस आइए, दूसरी दिशा में जाइए, और पैर मिला के रखिए इस प्रकार, साइड में कमर में हल्का सा दर्द महसूस होता है जो कि झुकने के कारण, तो हल्का दर्द महसूस होने पर कोई चिंता वाली बात नहीं। धीरे से वापस आइए, दूसरी दिशा में जाइए, हाथ सीधे रखें, इस बात का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कोहनी ना मोड़े, हथेलियों का ऊपर की ओर है और हाथों का खिंचाव बराबर ऊपर की ओर बना रहे, वापस जाइए और दूसरी दिशा में जाइए, इसे वापस आ जाइए, हाथों को नीचे ले आइए। यह था पूर्व हस्तोत्थान आसन। ये सभी आसन जो खड़े होने वाले हैं, बैठने वाले और लेटने वाले सभी बताए जाएंगे आपको, आपकी लंबाई बढ़ाने के लिए, हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत ये लाभदायक है, बहुत फायदेमंद है, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो जनरली कहा जाता है कि 20-22 साल तक उम्र की हाइट बढ़ती है, लेकिन कई छात्र ऐसे आए हैं मेरे पास जिनकी 24 साल तक हाइट बढ़ाई है हमने आसनों के द्वारा, और 24 साल तक वो एक बात और है कि 20 साल के बाद हाइट की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी बढ़ती रहती है यदि आप आसन इत्यादि लगातार करते रहेंगे तो सही इसका पूरा फायदा उठाइए अपनी इस स्टूडेंट लाइफ में, इस उम्र में अधिक से अधिक आसन करके अपनी हाइट को जितना आप बढ़ाना चाहते हैं अच्छी हाइट उतना बढ़ा सकते हैं। अगला आएगा इसमें अब त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन और कोण आसन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फायदे दोनों के ही बराबर है, लेकिन वो भी बहुत फायदेमंद है, उसको भी बढ़ दीजिए। इसमें भी दोनों हाथ पैरों को फिर से खोलेंगे और जिस साइड झुकना है वो पैर की दिशा उस तरफ हो जाएगी, ये अपने बाएं साइड झुकते हैं, बाएं पैर की दिशा घूम जाती है दोनों हाथ साइड पर, लेफ्ट साइड झुकेंगे, इसमें हथेलियां दोनों सामने की ओर होंगे और दोनों हाथ सीधी सरल रेखा में ऊपर होंगे और ऊपर वाले हाथ की तरफ देख रहे हैं, इसमें जो चेहरा घुमाकर चेहरा मोड़कर
ऊपर वाले हाथ की ओर देख रहा है। बहुत बढ़िया अंकित जी, धीरे से वापिस आइए, वापिस आइए और दूसरा पैर दूसरी दिशा में मोड़िए, दूसरी तरफ झुकिए, दोनों हथेलियां आपके सामने की ओर है और ऊपर वाले हाथ की तरफ, ऊपर वाली हथेली की तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए, आपको ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। इस प्रकार आप 5 बार इस तरफ को, 5 बार दूसरी तरफ को वापस आएंगे कीजिए, केवल 1 बार और करेंगे इसी आसन को। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, त्रिकोण आसन। से वापस आइए, इससे पैर दूसरी तरफ को घुमाइए, वेरी गुड, इससे वापस आ जाइए, आराम से खड़े हो जाइए, बहुत बढ़िया। यह था त्रिकोणासन, जो कि आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब खड़े होने का एक और है लास्ट, सर्वांग पुष्टि, जो आपको पिछले बार बताया गया था। सर्वांग पुष्टि में गहरा उत्तर को कर लीजिए, इसमें पैरों को खोलेंगे यथाशक्ति और दोनों हाथों के अंगूठे मुट्ठी के अंदर पर, दोनों हाथ सर के ऊपर क्रॉस होंगे और शरीर हाथों को पूरा ऊपर खींचते हुए, शरीर को सब पीछे की ओर झुकाते हुए दोनों दिशाओं में बारी बारी से झुकना है। दोनों हाथ समय जमीन से लगने चाहिए और माथा घुटने से लगना चाहिए। आप यहीं पर शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ते हुए यथाशक्ति आसानी से जितना हाथ तो इस प्रकार दूसरी ओर जाना है और दोनों हाथ दोनों उस तरफ को उसे पैर के पास जमीन से छुएंगे, माथा घुटने से लगेगा। यहीं से फिर से वापस आइए, शरीर को पीछे की ओर से पीछे झुकाते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचे, इस प्रकार हाथों का खिंचाव बढ़ा और ऊपर की ओर बना रहे, हाथ क्रॉस रहेंगे, हाथों के अंगूठे मुट्ठी के अंदर बंद और पीछे से वापस आइए दूसरी ओर, से पूरे कमर की शरीर रीढ़ की हड्डी के सभी मांसपेशियों पर बहुत इसका अच्छा प्रभाव होता है। खड़े हो जाइए अंकित जी, वापस आ जाइए, मिला लीजिए, थोड़ा खड़े खड़े आराम कीजिए और कुछ देर के लिए शवासन कीजिए। ये जो अभी आपको दिखाया खड़े होने वाले आसन और अंत में आपको दिखाया सर्वांग पुष्टि, इन सभी आसनों से जितने शरीर की हमारी थकान हो गई है उस थकान को दूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, इतने आसन के बाद 5-6 आसन के बाद अब शवासन जरूरी हो जाता है। शवासन में लेटकर पूरी थकान को दूर करना भी जरूरी है ताकि आगे आने वाले और आसनों को और प्रतिभा भी अच्छे से कर सके। मैंने बताया था शवासन में जब आप देखेंगे सर से पांव तक पूरा शरीर एकदम ढीला, एकदम आराम की अवस्था में, पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में, प्रत्येक अंग एकदम निष्क्रिय हो जाए, एकदम गीला हो जाए, यहां तक कि इसमें यह भी नहीं सोचना कि हम शवासन कर रहे हैं, मन मस्तिष्क में कहीं कोई विचार ना हो, बिल्कुल आराम से आप लेटे रहे, तभी पूरी थकान उतरेगी। यथाशक्ति लेटने के पश्चात, क्योंकि ये सारे आसन है बीच बीच में शवासन मैंने बताया था जरूरी है, पूरा आराम जरूरी है, इसलिए शवासन में कभी भी कंजूसी ना करें, कटौती ना करें। चलिए बैठिए अंकित जी, अगला आसन है इसी प्रकार पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों हाथों से दोनों पैरों के इसमें अंगूठे पकड़ने होते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर लेकर जाइए, सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले गए, अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हुए पेट को थोड़ा तक जाते हुए सांस को छोड़ते हुए बाहर आगे की ओर झुकिए,
दोनों हाथों से पैरों में अंगूठे पकड़ेंगे और आगे झुकते हुए अपने माथे को घुटने से लगा देना है। माथा घुटने से नहीं लग पाता कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपने कमर से झुकना है, कोशिश करें अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें, नहीं झुका जाता कोई चिंता वाली बात नहीं, फायदा आपको भी उतना ही मिलेगा। आप अपनी तरफ से पूरा आगे झुकने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और कोशिशें सफल होती है। वापिस आइए सांस भरते हुए साइड से हाथ लीजिए। यह था आपके सामने पश्चिमोत्तानासन। इससे क्या शरीर की कितनी पर पूरा खिंचाव पड़ता है बैक पर और इससे पेट भी कम होता है, मोटापा घटता है, पेट गैस की शिकायत भी दूर होती है और किन हाइट के लिए लंबाई बढ़ाने के लिए यह आसन विशेष रूप से लाभकारी है, विशेष रूप से उपयोगी है और फायदेमंद है। इसके पश्चात आप करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए पहले कीजिए वज्रासन में बैठ जाइए। इस प्रकार वज्रासन में बैठना है आपने। वज्रासन बैठने के पश्चात घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, घुटनों के साथ इस प्रकार खड़े हो गए और दोनों हाथों को पहले कमर पर रखिए और हल्का से पीछे मुड़कर दोनों हाथ दोनों पैरों के हथेलियों पर रखेंगे और यथाशक्ति पीछे की ओर मुड़ेंगे, गर्दन को पूरा ढीला छोड़ देंगे, पीछे की ओर लटक दीजिए, रुक जाए एकदम गर्दन को एकदम ढीला छोड़ देंगे, कमर और पेट का हाथ आगे की तरफ, ठीक है। यह उष्ट्रासन है आपके सामने, यह भी आपके कमर के लिए रीढ़ की हड्डी से बहुत लचीली होती है, कमर पतली होती है, सीना चौड़ा होता है और पेट गैस की शिकायत भी से दूर होती है और बहुत फायदेमंद है। धीरे से अंकित जी वापिस आ जाइए, वहां से वज्रासन में बैठ जाइए और पैर सामने ले आकर दंडासन में थोड़ा विश्राम कीजिए। उष्ट्रासन से जैसे कि आपको बताया गया था पेट के लिए इससे तलीय नाभि भी ठीक होती है क्योंकि नाभि पर इसका खिंचाव पड़ता है, पेट के समस्त लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है उष्ट्रासन। अगला आसन है भू नमन आसन। हमारी कोशिश है हर आसन को एक बार पीछे और एक बार आगे होने वाला बारी बारी से कराते रहे अलग अलग आसन ताकि लगातार एक ही दिशा में झुकने वाले आसन ना हो। आपकी भी कोशिश ये रहे यदि आपने कोई आगे झुकने वाला आसन किया है तो लगातार पांच छह आसन आगे झुकने वाले आसन ना करें, एक आगे झुकने वाला आसन किया है तो उसके बाद पीछे झुकने वाला आसन करें, यह यदि पहले पीछे झुकने वाला आसन किया तो फिर आगे झुकने वाला आसन करें, इस प्रकार बदल बदल के करें उसका अधिक फायदा हो। चलिए अगला आसन है भू नमन आसन, यानी भूमि को नमन करना है। फिर चेहरा सामने कर लीजिए, इस प्रकार देखिए सबसे पहले दोनों पैर सामने की ओर है और दोनों पैरों को यथाशक्ति आपने अधिक से अधिक फैलाना है, खोलना है जितना आसानी से खोल सकते हैं, वही लग पाता है कि धीरे धीरे आप अपने अभ्यास से इसको अधिक से अधिक खोलते रहेंगे, जितना अधिक खोलेंगे उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इतना खोलने के पश्चात अपने दोनों हाथों से यदि आप पहले इसके अभ्यास कर ले प्रैक्टिस कर ले वो भी ठीक है, उसको एक बार प्रैक्टिस करके दिखाती है, फिर अपोजिट बारी बारी से इस प्रकार ये देखिए साथ के सामने दोनों तरफ जाइए, इसको दूसरा हाथ पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे आपने पहले इसको भूनवान आसन के लिए तो ये वार्म अप एक्सरसाइज है, तरह से आपकी 8 से 10 बार ऐसे करने के बाद 8-10 बार 15-20 बार जैसी आपकी सुविधा हो बस कीजिए। इसके पश्चात दोनों हाथों से दोनों पैरों को अंगूठे पकड़िए और सांस को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर खिंचाते हुए आगे झुकते हुए अपने माथे को अथवा ठुड्डी को जमीन से लगा दीजिए। शुरू में कोशिश करेंगे माथा लगे, उसके पश्चात माथा जब लग जाए आसानी से तो कोशिश करें ठुड्डी आपकी किन आपकी जमीन को लग जाए। यथाशक्ति रुकने के पश्चात धीरे से वापस आएंगे आपकी सहायता से दोनों पैर मिला दीजिए और फिर से दंडासन में विश्राम कीजिए।
इस आसन में आप अपने हिसाब से विश्राम कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। ये सभी आसन आप शवासन में लेकर जाते हैं, कुछ देर शवासन लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शवासन हर दो तीन आसन के पश्चात शवासन बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है। शवासन में कभी भी कंजूसी नहीं करना, कटौती नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने। ये सभी आसन आपको जो बताए जा रहे हैं उनको आप नियमित रूप से अभ्यास करना है आपने। साल में 365 दिन होते हैं, यदि आप 365 दिन करेंगे तो निश्चित रूप से गारंटी वाली बात है आपकी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यदि आपकी उम्र 22 साल से अधिक नहीं है, निश्चित रूप से विद्यार्थी जीवन में जो स्टूडेंट लाइफ होती है गोल्डन पीरियड होता है, लाइफ का सबसे सुनहरी समय जिसे कहा जा सकता है। इस उम्र में आपने शरीर को जितना अच्छा बना लिया तो जीवन भर काम आएगा। पुराने लोग कहते थे ना कि बचपन का खाया हुआ तो बचपन की एक्सरसाइज जीवन भर फायदा देती है। इसलिए आप अपना संतुलित भोजन करें, घर का भोजन करें, माँ के हाथ का भोजन करें, सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। इसके पश्चात अगला आसन करेंगे अब भुजंगासन। भुजंगासन के लिए साइड फेस करके पेट के बल लेट जाइए। इसमें क्या है, पेट के बल लेटना है आपने। पेट के बल लेटने के पश्चात आपके एड़ी पंजे, एड़ी और पंजे दोनों मिले होंगे परस्पर, दोनों हाथ कंधों के नीचे रखेंगे, परस्पर पास पास होंगे, कंधों के नीचे हाथ रखकर यथाशक्ति हथेलियों की सहायता से पूरा शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे, कमर से मोड़ते हुए पीछे की ओर, शरीर का आगे का भाग ये है पीछे की ओर। ये क्या है आपके सामने, भुजंगासन किया गया है। इसको भी दो तरीके से किया जाता है, एक में तो नाभि तक का पूरा भाग उठ जाता है, नाभि को जाते हैं, एक में केवल नाभि तक का ही भाग होता है। दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों का अपना अपना फायदा है। जैसे वापस आइए अंकित जी, अब इसमें आपने हाथ सीधे नहीं होंगे, अगला इसी का सब बीमार करके दिखा दीजिए। दोनों हाथ फिर से कंधों के नीचे रखिए, कंधों के नीचे रखिए दोनों हाथ, और केवल नाभि तक का हाथ हल्का सा उठाना है। यस, इसमें नाभि तक का भाग ही उठाया है आपने भुजंगासन। इसमें एक और है, इसमें हाथों के सहारा नहीं लेते, हाथ भी ऊपर उठा लेते हैं, हाथ भी उठा लीजिए ऊपर, हाथ कंधों के नीचे मोड़ के रखिए, यही पर क्यों हथेली हथेली हमने हथेली उठाइए। यस, पूरी हथेली, पूरी हथेली, वापिस आ जाइए यहीं पर, थोड़ा विश्राम कीजिए, विश्राम कीजिए। इस प्रकार दोनों हाथों को इस प्रकार रखकर अपने माथे को सीधा अथवा किसी एक करवट पर बाधाए अथवा बाए, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपको अच्छा लगे, इस प्रकार विश्राम कर सकते हैं। ये आधा समय हो गया है, इसके बाद एक समय एक दो आसन और कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक लेंगे। अभी आप यहीं पर अगला आसन है हलासन। हलासन के लिए पीठ के बल लेट जाइए, चेहरा उस तरफ को, इस प्रकार पीठ के बल लेटना है और दोनों पैरों को एड़ी पंजे मिला लेंगे, हथेली का रुख जमीन की ओर, और दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है। प्रकार धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए और धीरे से तब तक पीछे लेकर जाएंगे जब तक कि सर के ऊपर पैर, दोनों पैर जमीन को ना छू जाए। घुटने नहीं मोड़ने, हाथ से रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे। अब हाथों को दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लेंगे। यह आपके सामने हुआ हलासन।
इससे भी पूरे पेट की मांसपेशियों पर बहुत खिंचाव पड़ता है, पेट गैस के लिए भी बहुत फायदेमंद है, इससे पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा कम होता है, वजन घटता है और रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है, काफी लंबाई बढ़ती है। वापसी में बहुत ध्यान रखना है, इसमें वापसी आने का तरीका है इसका विशेष, जल्दी से नहीं आना, धीरे धीरे आना है और सर जमीन से लगा रहना चाहिए। सबसे पहले दोनों हाथ वापस आएंगे, दोनों हाथ वापस लाइए अंकित जी, हथेलियां जब जमीन पे छू जाए इसके पश्चात दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाइए और बिना घुटना मोड़े, बिना सर जमीन से उठाए इसी गति से धीरे धीरे वापस आना है, सीधे एकदम। वेरी गुड, शवासन कीजिए। क्योंकि इस आसन में, हाँ, इस आसन का साथ ही जैसे कि आज आपको बताया गया है आई साइट और हाइट, ये इस आसन का दोनों फायदे हैं। इससे क्या है, आपकी आई साइट भी बढ़ती है, ये हाइट के साथ साथ, क्योंकि इसमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका ऊर्ध्वगामी हो जाता है, सर की तरफ आया है, ठीक है ना। इसलिए इस आसन के बाद आई साइड के जितने भी आसन है उनमें ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आता है, तो उन सभी आसनों में के बाद शवासन करना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ये आसन टू इन वन, हाइट के लिए भी फायदेमंद है, लंबाई बढ़ती है और आई साइड भी इससे इंप्रूव होती है, आई साइड इससे बढ़ती है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। इसके पश्चात एक और आसन याद करने जा रहे हैं जो पहले आपको बताया जा चुका है, वो भी दोनों के लिए फायदेमंद है, आई साइड के लिए भी हाइट के लिए भी, इसका नाम है चक्रासन। लेटे लेटे ही करेंगे, अंकित जी यहीं पर चक्रासन करके दिखाएंगे आपको, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने हिप्स के साइड पर रखेंगे, पीछे की ओर खिसका लेंगे पूरे साइड पर और दोनों हाथों को फिर से मोड़ते हुए कंधों के नीचे रखेंगे इस प्रकार, और हाथों और पांवों की सहायता से पूरे शरीर को आपके ऊपर की ओर उठाना है यथाशक्ति, इस प्रकार धीरे से ऊपर की ओर उठाइए। चक्रासन यह जमीन पर की ओर होगा, आपने जमीन की तरफ देखना है, जितना आसानी से उठा सकते हैं उतना ही उठाएंगे, इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि सर की ओर आता है इसलिए यह गले के लिए, गले के सभी मांसपेशियों के लिए, गले की बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद है, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है उसके लिए फायदेमंद है, हाथ पैरों में बहुत ताकत आती है, पूरा वजन शरीर का हाथ और पांव के ऊपर है, आइस के लिए बहुत फायदेमंद है, इससे आइस इंप्रूव होती है क्योंकि आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन इसमें सर की ओर आ जाता है। तो यह आसन मैंने बताया था, जो व्यक्ति इस आसन का अभ्यास करेगा उसको एक नहीं अनेक फायदे हैं, यह आसन बहुत अधिक फायदेमंद है, इस आसन के करने से कहते कभी बुढ़ापा नहीं आता जो उस पर रेगुलर करेगा डाइट, इसलिए इस आसन को सभी अवश्य करें। धीरे से वापस आ जाइए अंकित जी, यहीं पर लेट जाइए और शवासन कीजिए। इस आसन के पश्चात भी शवासन बहुत जरूरी है। चक्रासन जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, अपने सभी क्लास में चक्रासन का विशेष महत्व है, बहुत अधिक फायदेमंद है, इससे कमर पतली होती है, सीना चौड़ा होता है, पेट कम होता है, वजन कम होता है, लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है, कलाई में बहुत ताकत आती है, घुटनों में ताकत आती है, पूरे पैरों में बहुत बल मिलता है। आप सभी इन आसनों को सही तरीके से जरूर करें और चक्रासन के पश्चात ही शवासन अवश्य करें। अब इसके पश्चात एक आसन और बताने जा रहे हैं, वो है मकरासन। मकरासन के लिए पेट के बल लेटना है, पेट के बल लेटने के पश्चात एड़ी पंजे दोनों मिले होंगे, पंजे पीछे की तरफ पलट जाएंगे, दोनों हाथों को सर के ऊपर लेकर आइए इस प्रकार, और एक हथेली के ऊपर, हथेली जमीन पर होगी नीचे वाली, दूसरी हथेली उसके ठीक ऊपर होगी, माथा जमीन से लगा रहेगा, इतना होने के पश्चात आपने हाथों से शरीर को आगे की तरफ खींचना है, पैरों से पीछे की तरफ खींचना है, मतलब दोनों शरीर को दोनों तरफ विपरीत दिशा में खींचना है, ताकि हाथ के अंगूठे से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरा खिंचाव हो,
ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी इसका ध्यान रखते हुए, जितना शरीर को खींच सकते हैं मकर के समान पूरा खींचना है अधिक से अधिक। जब ज्यादा ताकत लगाते हैं बहुत ताकत लगती है, जब खींचते हैं तो सांस रुक जाता है लेकिन सांस नहीं रोकता, इसका विशेष ध्यान रखना है। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब हथेली को पहले जो हथेली आप दूसरी हथेली पर करनी है, इसको बदल के करना है। पहले बाया हाथ नीचे था, अब दाया हाथ नीचे कर लीजिए। पहले लेफ्ट हैंड नीचे था, राइट हैंड नीचे होगा। फिर से माथा जमीन से लगा रहेगा, हाथों से शरीर को आगे की तरफ खींचिए, पैरों से पीछे की तरफ खींचिए, पूरे शरीर में खिंचाव होना चाहिए, मैक्सिमम बॉडी स्ट्रेच हो जाए। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम उतना स्ट्रेच करना है हमें, और यथाशक्ति रुकने के पश्चात आप शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहीं पर थोड़ा हाथों को मोड़कर विश्राम करेंगे, तो हाथों मोड़कर अपना माथा हथेली के ऊपर रख लीजिए, हाथों के ऊपर, और थोड़ा विश्राम करेंगे। इसमें देखने में बहुत आसान है लेकिन जब शरीर को खींचते हैं पूरी ताकत लगानी पड़ती है, ताकत लगाने से शरीर में थोड़ी थकावट होती है और जिन आसनों में थकावट हो उसके पश्चात शवासन करना जरूरी है। यहीं पर इसके पश्चात यथाशक्ति शवासन कर। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक लेना ठीक रहेगा। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। अपना रास्ता
बाद फिर से स्वागत है सभी का। अभी आपके सामने प्रचीव आसन जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें अगली कड़ी है धनुरासन की। धनुरासन के लिए जो कि हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पेट के बल लिए नीचे, इसके पश्चात दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने एंकल्स को पकड़ेंगे, अपने टखनों को पकड़ना है और यथाशक्ति ऊपर की ओर थाइस और चेस्ट दोनों एक साथ उठेंगे। इसमें यह टली हुई नाभि को भी ठीक करता है, पेट पर इसका खिंचाव पड़ता है, जिससे जिन लोगों की नाभि टल जाती है वैसे ठीक हो जाती है। साथ ही रीढ़ की हड्डी एकदम फ्लेक्सिबल होती है, कमर पतली सीना चौड़ा होता है, मोटापा कम होता है, पेनक्रियास की शिकायत दूर होती है और हाइट के लिए लंबाई के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद है। गले की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है, गले के लिए भी फायदेमंद है और आईसाइट पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुल मिला के बहुत अधिक फायदेमंद है ये आसन धनुरासन। जितना आपने यथाशक्ति करना है उतना ही करेंगे। धीरे से वापस आ जाइए, आराम से बैठ जाइए सामने की ओर। इसके पश्चात किया जाएगा सिंहासन। सिंहासन करेंगे, सिंहासन के लिए दोनों पैरों को दोनों घुटनों को खोल लीजिए इस प्रकार और दोनों हाथ सामने होंगे। इसमें सिंहासन के अनेक फायदे हैं और इसमें जब करते हैं मुंह को खोलकर जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालना है और दोनों आईब्रोज के सेंटर में इस स्थान पर आप लगाकर देखना है, इससे आपके आईसाइट इंप्रूव होगी और इससे निडरता भी आती है। इन छोटे बच्चों को डर लगता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। कीजिए जीभ को अधिक से बाहर इस प्रकार, इसमें दोनों बाहों के मध्य में यहां देख रहे हैं जीभ को पूरा बाहर निकालते हैं, सिंह की भांति आवाज निकाली जाती है। इसमें यह सिंहासन जो कि नेत्र जो कि बढ़ाने के लिए बहुत लाभ करें। धीरे से वापस आ जाइए। अगला आसन है जिसे सब आसनों का राजा कहा जाता है, शीर्षासन। शीर्षासन में एक बात मैं बता दूं, कुछ लोग इसको गलत तरीके से करते हैं, उसमें बजाय फायदे के उल्टा नुकसान हो जाता है, वो नहीं करना है, वो जल्दी नहीं करना। सर का जो ये भाग है जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, दशम द्वार, ठीक है ना, इस पार्ट को, इस भाग पर जमीन वजन नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, इस भाग को जमीन पे डायरेक्ट टच नहीं करना। यदि ये भाग टच होगा तो यहाँ तो नहीं होता, दोनों हाथ यहाँ पर आएंगे, ये भाग पर प्रेशर से नुकसान होगा, ये भाग लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसलिए अपनी जो माथे की जो भौं है, आई साइड पर जो भौं होते हैं आईब्रोज, यहां से चार और दो छह, आईब्रोज से छह उंगल का डिस्टेंस लेना है। इस प्रकार जब छह उंगल का डिस्टेंस हो जाएगा इसके पश्चात यहाँ आपके हाथ आएंगे, हाथ वी शेप में होंगे, बहुत खुले नहीं बहुत पास में नहीं, वी शेप में रखेंगे तो आपका बैलेंस अच्छा बनेगा। अंकित जी करके दिखाइए धीरे धीरे इसको, छे उसके ऊपर जो ब्रह्मरंध्र को कवर कर लीजिए इस प्रकार, हाथों को विक्षेप में बनाते हुए आगे की ओर झुकिए और धीरे धीरे इस प्रकार पैर सीधे है, दोनों पैरों को थोड़ा पास लेके आ रहा है, धीरे से पैरों को मोड़ते उठाया इस पोजिशन में आए, धीरे से पैर सीधे करेंगे। यह आपका शीर्षासन जिसे सभी आसनों का राजा कहा जाता है। इसमें क्या पूरा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आ रहा है, इसको कभी भी दीवार के सहारे नहीं करने आपने, उससे क्या शक्ति से अधिक हो जाएगा, यथाशक्ति करना होता है। इसलिए आपको इसी तरीके से, इसी विधि से आपने शीर्षासन करना है, इस विधि से करने से पूरा फायदा मिल पाएगा। चलिए धीरे से वापस आइए कीजिए। यथाशक्ति मैंने जैसे कि आपको बताया और तीर इसके पश्चात थोड़ा सा पहले खड़े हो जाइए, हाथों को उसका खींचे ऊपर खड़े हो जाइए
हाथों को थोड़ा ऊपर खींचिए, थोड़ा खींचिए और इसके पश्चात आप धीरे से शवासन में लेट जाइए। शवासन इस आसन के पश्चात जितनी देर आपने यह आसन किया है उससे आधा समय शवासन करना जरूरी है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। यदि आपने 2 मिनट किया है तो 1 मिनट, 4 मिनट किया है तो 2 मिनट शवासन है, और यदि 1 मिनट किया है तो आधा मिनट, मतलब शवासन इसके पश्चात हर हालत में करना ही करना है। शीर्षासन और शीर्षासन के फायदे कितने हैं कि जो व्यक्ति शीर्षासन करेगा उसका ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि शरीर की को निरोग रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन का ठीक रहना बहुत जरूरी है, ताकि आपके हर अंग तक आपकी जो साफ खून की जो सप्लाई है भली भांति होती रहे, और उसके लिए शीर्षासन बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। लेकिन कुछ लोग इसके बाद शवासन नहीं करते जल्दबाजी के कारण, या उनको इसका नहीं पता कि करना चाहिए, उन्हें उल्टा नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए शीर्षासन के पश्चात शवासन करना कभी भी ना भूलें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग शीर्षासन नहीं कर पाते तो सवाल ये आता है कि वो कहते हैं हमें फिर कैसे फायदा होगा इसका। तो जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते उसका एक सब्स्टिट्यूट है, उसे कहते हैं सर्वांगासन अथवा ऊर्ध्व सर्वांगासन, वो कर सकते हैं, उसमें शीर्षासन के लगभग सभी फायदे मिल जाते हैं। इसके पश्चात वो करके दिखाएंगे आपको, ऊर्ध्व सर्वांगासन करके दिखाइए, तो ध्यान से देखिए कैसे करके जाता है। पहले एक बार दिखा चुके हैं आपको, पीठ के बाद जमीन पे लेट जाएंगे और धीरे से अपने पैरों को उठाते हुए दोनों पैर बन मिला रहेंगे और 90 डिग्री पे ले गए। अब हिप्स को भी उठाना है, अपना हाथों को कमर पर रखते हुए कमर के हाथों की सहायता से पूरे शरीर को इस प्रकार उठाना है कि केवल गर्दन चेहरा जमीन पर, पूरे कंधे तक पूरे उठ जाए ऊपर, ये पूरी बॉडी एल शेप में आ गई आपके, इस प्रकार देख लीजिए। इसे कहते हैं सर्वांगासन अथवा ऊर्ध्व सर्वांगासन, इसमें शीर्षासन के सभी फायदे आपको मिल जाते हैं, यह भी उतना ही फायदेमंद है जितना शीर्षासन है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते वो इस आसन को अवश्य करें, अथवा दोनों ही आसन कर ले बाकी पर से। इसमें भी वापस आने का तरीका है, पहले दोनों पैर पीछे जाएंगे सर की ओर, धीरे धीरे दोनों हाथ वापस लाइए जमीन पर और बहुत धीरे धीरे बिना सर उठाए बिना पैरों को घुटने को मोड़े वापिस आने, और इसमें भी शवासन उसी प्रकार जरूरी है। फिर पश्चात भी शवासन करना है, शवासन के लिए शवासन जैसे कि बताया गया है पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ना है। अब यहां पर आईसेट के लिए कुछ बातें मैं आपको और बताने जा रहा हूं, जो कि शतकर्म की क्रियाएं हैं उसमें से एक है सूत्र नेति, उसका मैं आपको प्रैक्टिकली किसी और दिन करके दिखाऊंगा। एक सूत्र नेति होती है जिसको हम नाक में डालकर और गले में आ जाती है, उसको हाथ से मुंह से निकाल लेते हैं, बारी बार से दोनों नाक में डाला जाता है और मुंह से निकाला जाता है, मुश्किल नहीं है। एक बार आप जब शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से आपको करवा दी जाएगी, आप कर सकते हैं उसको। जो सीखना चाहते हैं किसी भी आश्रम में जाकर अथवा मुझसे भी कॉन्टेक्ट करें, मैं भी उनको आग खिलाकर भी सिखा सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। उससे आईसाइट इंप्रूव होती है, गले की बीमारियां दूर होती है, जिन्हें इसकी आवाज सीखनी होती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है वो। तो सूत्र नेति के पश्चात एक क्रिया और होती है जल नेति। जल नेति एक विशेष प्रकार का लोटा होता है और उसमें गुनगुना पानी भरकर उसमें हल्का सा नमक डाला जाता है, एक नाक से लेकर उसको दूसरी नाक से निकाला जाता है और वापस एक लोटा इस नाक से लेकर दूसरी नाक से निकाला जाता है। यह भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सूत्र नेति और जल नेति दोनों ही आईसेट इंप्रूव करने के लिए, वैसे तो गले की से उनके सभी बीमारियों में फायदेमंद है, जिन्हें गले की प्रॉब्लम है आईसेट, नजला, जुकाम, सरदर्द, कान दर्द, कान का बहना, पिंपल्स, या फिर बालों के लिए भी, इनके बाल समय से पहले
सफेद हो जाते हैं और जल्दी झड़ जाते हैं या बाल कम हो जाते हैं, बाल उठ जाते हैं, उन सभी के लिए सूत्रदीप इत्यादि बहुत ही मन बहुत फायदेमंद है। जितने भी मैंने जो आयुर्वेद के आसन बताए ये सब बालों के लिए भी सारे के आसन उतना ही फायदेमंद है, जिससे आपका बालों का झड़ना भी रुकेगा और जो समय से पहले जो बाल सफेद हो जाते हैं वह भी नहीं होंगे। तो ये सूत्रदीप भी इस आयुर्वेद ग्रो करने के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। इसके पश्चात एक और आता है त्राटक। त्राटक जितने फायदे हैं आयुर्वेद ग्रो करने के लिए कम है, मतलब त्राटक कुल मिला के बहुत अधिक फायदेमंद है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। सबसे पहले क्या करना है, आप एक A4 शीट होती है या 1 फुट बाय 1 फुट एक सफेद कागज ले लें और उस पर 1 इंच डायमीटर का गोल, 1 इंच डायमीटर का गोल एक हरा अथवा काला निशान बना दें, हरा पेंट अथवा काला पेंट कर दें, इसका डायमीटर 1 इंच हो और उसको आप किसी जिस भी आप आसन में बैठेंगे, जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं, सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, जिस किसी भी आसन में आप बैठते हैं, तो दीवार से वह उस पेपर को आपने दीवार पर चिपका देना। दीवार ऐसी होनी चाहिए जिस पर कोई तस्वीर, कोई चित्र इत्यादि ना हो, जैसे कि अंकित जी के पीछे दीवार एकदम प्लेन दीवार है, कहीं कुछ में चित्र खिड़की दरवाजे चित्र इत्यादि नहीं है, ताकि आपका ध्यान भटके ना, ध्यान इधर उधर ना हो। तो ऐसी प्लेन दीवार होनी चाहिए। उसके पश्चात जिस किसी भी आसन में आप बैठकर ध्यान लगाएंगे, आपकी जो आइस का लेवल है उस आइस के लेवल पर वो निशान जो मैंने मतलब आपको बताया हरा अथवा गोल निशान उस कागज को आप चिपका देंगे, उसको अपनी आइस के लेवल पर रखना, ना अधिक ऊपर ना नीचे, ठीक आइस के लेवल पर रखिए। और दीवार से आपने 1.5 गज की दूरी पर बैठना है, 1.5 गज होता है 4.5 फुट, 4.5 फीट की दूरी पर, 1.5 फीट के डिस्टेंस पर आपने बैठना है। आप फिर मैं उस आसन में बैठे जिस आसन में आप आसानी से देर तक बैठ सकते हैं, चाहे वह सुखासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, अर्ध पद्मासन हो, चाहे वज्रासन हो, जिस किसी भी आसन में आप देर तक बैठ सकते हैं बिना हिल डुले आसन से तसल्लीबख्श सुखपूर्वक उस आसन में बैठना है आपने। और उसके पश्चात उस दीवार उस स्पॉट को आपने नॉर्मल आंखों से, आपको ज्यादा ऐसे आपने आंखों चौड़ी करके नहीं देखना है, इस प्रकार नॉर्मल आंखों से उसको आपने लगातार देखना है और लगातार तब तक देखने का प्रयास करें जब तक कि आपकी आंखों में हल्का हल्का दर्द ना होने लगे या आपकी आंखों से पानी ना आने लगे। जब पानी ना आने लगे तो नेत्रों को अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद कर लीजिए, उसके पश्चात पुनः उस काले निशान, काले अथवा हरे निशान को देखने का प्रयास करें और आप लगातार जब उस आसन स्पॉट को देखेंगे, उस काले निशान को देखेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको केवल काला निशान ही दिखाई देगा और सफेद पेपर या दीवार दिखाई नहीं देगी, केवल चार और केवल काला ही काला अथवा हरा ही हरा जैसा रंग होगा वही दिखाई देगा। इसमें कुछ लोग दीपक भी बताते हैं, दीपक की ज्योति पर भी हम अपना त्राटक कर सकते हैं, एक लौ पर, इसमें यदि दीपक की लौ पर कर रहे हैं तो शुद्ध घी का दिया होना चाहिए, लेकिन उस समय इस बात का ध्यान रखना है कि खिड़की दरवाजे बंद हो यदि है उस कमरे में, तो ताकि वो जो लौ है वो हिले ना, बिल्कुल बिल्कुल बिना निश्चल बिना हिले डुले लौ जलती रहे, तो यदि लौ हल्की सी भी हिलेगी हवा के कारण तो आपका ध्यान भटक सकता है। उस स्थिति में आप लौ पर लगातार देखेंगे और उस ज्योति पर देखते देखते एक स्टेज ऐसी आएगी आपको चारों तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, पूरा प्रकाशमय हो जाएगा सब ओर। तो जब तक प्रकाश ना हो जाए तब तक त्राटक तो कहते हैं पूरा नहीं हो पाया, तो इसके एक ही दिन में ऐसा नहीं होता, आप धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते जाए, 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना, एक चीज ऐसी आएगी जब
केवल प्रकाश या प्रकाश मतलब आप यदि ज्योति को देख रहे हैं तो केवल प्रकाश दिखाई देगा, आपने हरा अथवा ब्लैक स्पॉट लगाया तो केवल वही कलर दिखाई देगा पूरी दीवार पर, तो तब आपका त्राटक सफल माना जाता है। इससे आपकी आईसाइट भी बढ़ती है और आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपके एकदम अच्छी हो जाती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। ये हो गया त्राटक। इसके अलावा आपको आईज की कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं मैं, वो मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी, ध्यान से देखिए सुनिए और समझिए। सबसे पहले आप अपनी आंखों को बहुत अधिक ना खोलते हुए सीधा बैठेंगे और केवल आपने अपनी आंखों को दोनों भौहों के मध्य में यहां पर हल्का सा चेहरा पर करेंगे और दोनों भौहों के मध्य में देखेंगे। ध्यान से देखिए इस प्रकार से कहते हैं भूमध्य दृष्टि। दोनों भावों के मध्य देखना है और जितनी देर तक देख सकते हैं उतनी देर तक देखने का प्रयास करें। दूसरा है लेफ्ट राइट, अधिक से अधिक लेफ्ट और अधिक से अधिक राइट देखने का प्रयास करेंगे बिना गर्दन को इसका जरा सा हिलाए। इस प्रकार देखिए आपने अपने आई बॉल्स, इसमें केवल आई बॉल्स मूव करेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जितना देर जब तक आंखों में थकान ना हो जाए तब तक करना है। इसके पश्चात अप एंड डाउन इसका। अधिक से अधिक ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक नीचे की ओर लगातार देखेंगे। इसके पश्चात डायगोनल राइट साइड ऊपर लेफ्ट साइड नीचे, ये इस प्रकार। अपोजिट डायगोनल लेफ्ट साइड ऊपर राइट साइड नीचे, इस प्रकार। इसके पश्चात क्लॉकवाइज आपने अपनी पूरी आंखों को परक बलाई में घुमाना है, पूरी सब और देखना इस प्रकार। इसके पश्चात विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, और अंत में आठवीं एक्सरसाइज के नासागम दृष्टि, टिप ऑफ द नोज नाक के अग्र भाग पर, नाक के सिरे पर, नाक के अग्र भाग पर देखना है आपने इस प्रकार। इसका देखने में आंखों पर हल्के हाथ से थोड़ा सा उनको रिलैक्स करना है, आराम देना है। ये आठ दृष्टियां बताई है मैंने। सबसे पहले आपने दोनों आईब्रोज के सेंटर में देखना है, इसके पश्चात दाएं बाएं, फिर ऊपर नीचे, फिर डायगोनल, फिर अपोजिट डायगोनल, फिर क्लॉकवाइज, उसके पश्चात एंटी क्लॉकवाइज, अंत में टिप ऑफ द नोज। ये आप दोनों वक्त सुबह कम से कम दो बार, सुबह के वक्त शाम के वक्त, नहीं समय मिलता जब समय मिले तब आप अवश्य करें, तो यह इन सब से आपकी आईसाइट बहुत अधिक इंप्रूव होगी, बहुत अधिक इसका आपको लाभ मिलेगा। समय की सीमा समाप्त हो रही है, जहां तक मैं समझता हूं आप सभी को इन सब का पूरा लाभ मिले ऐसी मैं कामना करता हूं। आपने सभी ने बहुत ध्यान से इसको देखा सुना और समझा होगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।